वैक्सीन को लेकर काफी एक्साइटिंग न्यूज आई है. We now have three vaccine candidates that have shown promising results. Moderna, which says that its vaccine candidate appears to be 94.5% effective. Then there is Pfizer, which uses a similar technology and it claims to be 95% effective. And last but not the least, we have Sputnik V, which claims to be 92% effective. अगर आप इन सबके बाद भी सोच रहे हैं कि इसमें 4, 5 और 8% का failure rate है, तो मैं आपको बता दूं ये कोई बड़ी बात नहीं है. ड्रग रेगुलेटर्स ने कहा था कि कोई भी वैक्सीन अगर 50% भी इफेक्टिव है तो वो COVID-19 के अगेंस्ट यूज की जाएगी, लेकिन इन केसेस में ये 90% से ज्यादा इफेक्टिव बताई जा रही है. बट व्हाट डज इट मीन फॉर इंडिया? व्हिच वैक्सीन आर वी गोइंग टू गेट? फाइजर, मॉडर्ना और द स्पुटनिक वन, और वी आर गोइंग टू गेट अनदर शॉट? और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद सो मेनी ऑप्शंस इन हैंड, व्हिच ऑप्शन आर वी गोइंग टू चूज? What makes a good vaccine candidate, especially for a vast and low to middle income country like India? और इंडियन वैक्सीन्स का क्या स्टेटस है? आदर पूनावाला, द सीईओ ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ट्वीटेड दैट अ गुड वैक्सीन हैज फोर फीचर्स. नंबर वन, इट हैज टू बी सेफ. सेकंड, इट शुड ऑफर लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन अगेंस्ट टारगेटेड डिजीज. थर्ड, इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड एंड स्टोर्ड एट अ मैनेजेबल टेम्परेचर. एंड फोर्थ, इट शुड बी अफोर्डेबल टू ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी. एक्चुअली ये चारों पॉइंट एकदम वैलिड हैं, और अगर इन चारों पॉइंट को ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इंडिया के लिए कौन सी वैक्सीन सही रहेगी. लेट अस स्टार्ट विद फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन कैंडिडेट एंड मॉडर्ना वैक्सीन कैंडिडेट, एंड बोथ ऑफ देम क्लेम टू बी क्लोज टू 95% इफेक्टिव. फाइजर वैक्सीन कैंडिडेट नाउ वांट्स टू अप्लाई फॉर इमरजेंसी यूएस ऑथराइजेशन विद इन डेज. अगर ऐसा हुआ तो ये वर्ल्ड की पहली एंटी कोविड वैक्सीन बन जाएगी जिसको यूएस के रेगुलेटर से ऑथराइजेशन मिलेगी. पर फाइजर के वैक्सीन की इंडिया में आने के चांसेस बहुत कम है. इसके पीछे का रीजन है इसको रखने का टेम्परेचर. दिस वैक्सीन नीड्स टू बी स्टोर्ड एट -70 to -75 degrees Celsius. इट कैन बी केप्ट एट रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर फॉर नॉट मोर देन 5 days. दिस मीन्स दैट वी विल नीड अ वास्ट कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क फॉर दिस वैक्सीन इफ यू वॉन्ट टू वैक्सीनेट 130 crore पीपल इन इंडिया. This is not just a logistical nightmare, but it can also prove to be very expensive for India. और please याद रखें कि इंडिया में ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे हमें heat wave देखने को मिलती है, और ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे electricity की काफी problem होती है. उन cases में Pfizer की vaccine को store करना next to impossible होगा. On the other hand, Moderna's vaccine candidate has some advantage here. This vaccine is stable at 2 to 8 degrees Celsius for 30 days. It can be stable for 6 months at -20 degrees Celsius, and at room temperature, it is stable up to 12 hours. शायद आपको ये बहुत बड़ा एडवांटेज ना लगे, लेकिन मिडिल और लो इनकम कंट्रीज के लिए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा जब वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आएगी. बोथ दीज कंपनीज क्लेम दैट दीज वैक्सीन वर वेल टॉलरेटेड इन द वॉलंटियर्स. कॉमन साइड इफेक्ट्स रहे जैसे फटीग, मसल पेन, हेडेक्स एंड सोरनेस अराउंड द इंजेक्शन साइट, विच मीन्स नथिंग मेजर. अब आते हैं इसकी कॉस्ट पर. ये दोनों वैक्सीन ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं जो आज से पहले किसी भी अप्रूव वैक्सीन में यूज नहीं हुई. दे यूज द mRNA टेक्नोलॉजी. सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो ये mRNA हमारे सेल्स को इंस्ट्रक्ट करता है वो प्रोटीन्स बनाने के लिए जो कि कोरोना वायरस में होते हैं. इससे होता है हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स, जिससे अल्टीमेटली COVID-19 के अगेंस्ट हमारे में इम्यूनिटी आ जाती है. क्योंकि ये एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो हो सकता है कि ये एक्सपेंसिव हो. अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट, मॉडर्ना विल प्राइस इट्स वैक्सीन एट $37, दैट इज ओवर 2700 rupees. वहीं दूसरी तरफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफर्ड वैक्सीन को मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो अपनी वैक्सीन को प्राइस करेगा 220 rupees में. यानी कि डिफरेंस साफ है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट दोज वैक्सीन जिनके इंडिया में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज कंडक्टिंग फेज 2 एंड फेज 3 ट्रायल्स फॉर एस्ट्राजेनेका ऑक्सफर्ड वैक्सीन. They also want to produce 10 crore doses of the same vaccine by December end. ये वैक्सीन सस्ती भी है, और दूसरी चीज इसके ट्रायल्स क्योंकि इंडिया में हो रहे हैं तो इसके चांसेस हैं कि ये इंडिया में जल्दी आए. Now all eyes are on the data that they are going to publish very soon. The trials for the Russian vaccine Sputnik V are expected to begin anytime soon in India. The first batch has arrived and phase 2 to 3 trials will be conducted by Dr. Reddy's laboratories. The makers claim that this vaccine is 92% effective and it can be stored at 2 to 8 degrees Celsius. इसके भी ज्यादा महंगे होने के चांसेस नहीं है. सो इफ द ट्रायल्स आर सक्सेसफुल, हो सकता है कि ये वैक्सीन इंडियंस को जल्दी मिले. अदर देन दीज टू, भारत बायोटेक इज कंडक्टिंग फेज 3 ट्रायल्स ऑफ कोवैक्सीन. द कंपनी इज वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ दिस वैक्सीन कैंडिडेट एंड दे हैव क्लेम्ड दैट द इनिशियल एफिकेसी एंड सेफ्टी डेटा आर इंप्रेसिव. इवन ICMR हैज सेड दैट दिस वैक्सीन मे बी अवेलेबल टू इंडियंस बाय फेब्रुअरी और मार्च. तो ये तो हुआ वैक्सीन का स्टेटस चेक. आपको क्या लगता है कौन सी वैक्सीन होगी इंडियंस के लिए सबसे बेस्ट? मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं. इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉप इन अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू इंडिया टाइम्स.